कल एक्चुअली बारिश हो गया ना, इससे थोड़ा इट हैज बिकम क्वाइट। राफिया जिन्होंने हमें अपनी खूबसूरत आवाज से नवाजा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त का हम अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन हमें हमें आज़ादी मिली है बरतानिया वालों से। लोहो उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। अब मैं यहाँ पे शफकत सर को बुलाना चाहती हूँ कि वो हमें अपनी खूबसूरत आवाज में कुछ सुनाए। आपकी वीडियो लाइव जा रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई जस्ट वांट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू नेपाली संग। आप लोगों को ज्यादा समझ नहीं आएगा लेकिन एंजॉय करिएगा इसको। कर भाई वीडियो So welcome, they appreciate us and be part in our these activities. Thank you to them. Just have one second. Baki bas. Aman aur tarthi ka zaban bare. Aaj ke mauke pe hame angrezon se azadi mili aur us azadi ko dilane mein hamare bade veeron ka haath hai. Agar aaj ke mauke pe hum उन वीरों को श्रद्धांजलि पेश नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन है। इस आजादी को दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अहम रोल है। उन्होंने देशवासियों को आजादी दिलाने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और उस वक्त अंग्रेज के खिलाफ सफ आरा होना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन उनमें वो जज्बा आजादी का था और उन्होंने तमाम देशवासियों को यह कहकर प्रेरणा दी कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और देशवासियों ने उसकी उस बहादुराना सलाहियतों का को सलाम करते हुए अपने खून का नजराना पेश किया और बड़े बड़े वीरों को उस वक्त के जो बाप थे उन्हें अपने बेटों को निछावर किया देश की आजादी के लिए। खुसूस तौर पर चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह और इश्फाकुल्ला, ये सभी जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने देश की आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान किया। लिहाजा आज इस 75वें आजादी के मौके पे हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और मैं आपसे अपील करता हूँ, जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, टीचर्स हैं, हमारे पंचायत के लोग हैं, हमारे फॉरेस्ट के, सोशल फॉरेस्ट्री के जितने भी मुलाजमीन है, आज हमें आजादी किस चीज से चाहिए। इस वक्त अगर
हम तीन बार भारत माता की जय और जय हिंद बोलेंगे। जय भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये आवाज आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मैं तमाम देशवासियों को दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो अमन और तरक्की को मौका दे और इस महोत्सव के मौके पे इस सेलिब्रेशन में शामिल हो जाए। और मैं सरकार से भी इस मौके पे अपील करता हूं कि जो हमारे देश के वर्किंग फोर्स है उनकी कंडीशंस को बेटर बनाया जाए, क्योंकि हमारे वीरों ने जो हमें आज़ादी दिलाई, खास तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने इसी को सही आज़ादी कहा था कि जब हमारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकेगी, चाहे वो वर्किंग क्लास है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में या दूसरे इदारों में लोग काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी अगर बेहतर बनती है तो वो यकीनी आज़ादी होगी है। और यही मानना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और आई एज ए नेशनल सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, वी बिलीव इन दिस फिलोसफी दैट नेताजी टोल्ड अस दैट गिव मी अ ब्लड वी विल गिव फ्रीडम। वी हैव अचीव्ड दैट फ्रीडम, बट येट वी हैव टू अचीव द फ्रीडम ऑफ दैट वी हैव टू मेक अवर द लाइव्स ऑफ अवर वर्किंग फोर्स बेटर सो दैट वी कैन रियली इन्जॉय द इंडिपेंडेंस ऑफ द डे। और इस मौके पर मैं आपको तमाम लोगों को आपके माध्यम से एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि 15 अगस्त के मौके पर, इस 75वें आज़ादी के वर्ष के मौके पर तमाम लोगों को बधाई देता हूँ और इसमें आप पार्टिसिपेट करिए, यही हमारी अपील है। गिलान साहब, क्या मैसेज रहेगी आखिर में? आखिर में ये मेरी मैसेज है मरकजी सरकार से कि हमारे जो वर्किंग फोर्स, जो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने वाले कामगार लोग हैं, जो हमारे देश की उन्नति में एक अपना आम रोल रखते हैं, जो इस देश की बिल्डिंग में अपना खून पसीना देते हैं, उनकी जिंदगियों को सुधार बनाने के लिए पॉलिसीज बनाई जाए। न कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनकी लाइफ को सुधारने के लिए हम नए नए पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन वर्किंग क्लास को सुधारने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। कुशन तौर पर जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मोदबाना अपील करता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में 63,000 से ज़ायद आरजी वर्करार हैं, उनके हक में मुख्तलिफ देश के मुख्तलिफ राज्यों की तरह मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। यह देश के 75वीं आजादी के मौके पर एक बहुत बड़ा इनाम तोहफा माना जाएगा। और अगर यह तोहफा जम्मू कश्मीर के वर्किंग फोर्स को दिया जाता है तो जम्मू कश्मीर का वर्किंग फोर्स हर हमेशा सल्यूट करता रहेगा, बी इट 47, बी इट 61, नाउ बी इट ऑनवर्ड 89, कश्मीरी से सैक्रिफाइस। और अगर ये तोहफा हमको दिया जाता है 15 अगस्त के मौके पर तो कश्मीरी ज्यादा और सैक्रिफाइस देने के लिए हमेशा आगे आगे रहेगा।